हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एडसेंस अप्रूवल से रिगार्डिंग एक एरर आता है जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो एरर ये आता है नो वैल्यूएबल इन्वेंट्री स्क्रैप्ड कंटेंट। ये इशू बहुत से लोगों को आ रहा है इस समय। आखिर क्यों आ रहा है? देखिए, एडसेंस के रिगार्डिंग बहुत से एरर होते हैं, अलग अलग एरर मैसेज आपको आएगा, उसको फिक्स करना है, फिर अप्लाई करना है, फिक्स करना है, फिर अप्लाई करना है। ऐसे करके मैंने कई सारी वीडियो बना दी हैं। सो आज की इस एरर में मैं आपको स्क्रैप्ड कंटेंट के बारे में बताऊंगा, ये होता क्या है, इसको आप कैसे फिक्स कर करके फिर से गूगल एडसेंस से आप अप्रूवल मांग सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए, एडसेंस का अप्रूवल आपको चाहिए, तो इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिएगा वीडियो को, और ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ, और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक कीवर्ड आइडिया दिया था कि गूगल में एक इजी टू रैंक कीवर्ड है कंटेंट, आप उस पर लिख के रैंक करवा सकते हैं और उस पर अच्छा खासा आपको CPC वगैरह मिलता है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, कैसे हम फिक्स करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, हाउ टू फिक्स एडसेंस वैल्यूएबल इन्वेंट्री स्क्रैप्ड कंटेंट इशू। एडसेंस के अप्रूवल के दौरान ये जो एरर है बहुत ज़्यादा आता है। करना क्या है आपको? सबसे पहले ये एरर आता क्यों है? सबसे पहले देखिए, जब आप किसी दूसरे का कंटेंट जो आप देख के लिखते हो या कॉपी पेस्ट कर देते हो और उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अपने वेबसाइट पे डाल देते हो, आप सोचते हो कि जल्दी से मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए और मैं अर्निंग करना स्टार्ट कर दूं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप एडसेंस का अप्रूवल ले भी लोगे तो आपके साइट पे ट्रैफिक ही नहीं है, तो आप अर्निंग कहाँ से करोगे? सो आपको सबसे पहले ये देखना है, यूनिक पोस्ट लिखना है ताकि आपके पास ट्रैफिक जो आए वो ऑर्गेनिक गूगल से आए, और आप वहाँ से एडसेंस का अप्रूवल जब मिल जाए तो आप दबा के अर्निंग कर पाओ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहला नंबर पॉइंट मेरा यही है, डोंट कॉपी एंड मॉडिफाई इन अदर पोस्ट, ठीक है। दूसरे की पोस्टों को आपको कॉपी और मॉडिफिकेशन नहीं करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो भी पोस्ट लिखेंगे सब कुछ यूनिक होना चाहिए, जो गूगल में वो कंटेंट उस टाइप का अवेलेबल ना हो, अगर अवेलेबल है तो वो एनफ ना हो, यूजर के जो यूजर जिसके लिए आता है वो उसको फुलफिल ना करता हो। तो ऐसा कंटेंट आपको लिखना है जो ज़्यादा मात्रा में हो, यूजर के अकॉर्डिंग हो, यूजर जो सर्च कर रहा हो, ठीक है। तो यूनिक पोस्ट आपको लिखना है। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है, आप देखिए जब शुरू में जब आप अपनी बना रहे हैं वेबसाइट, तो उसमें फालतू के इमेज ना ऐड करें, अपने कंटेंट को लंबा खींचने के लिए उसमें फालतू के आप वर्ड्स ना ऐड कर दें, फालतू के वर्ड काउंट को बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। और वीडियो जो आप इम्बेड करते हैं वो भी इम्बेड ना करें फालतू में, अगर ज़रूरत हो तभी इम्बेड करें, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी साइट भी स्लो होती है, ठीक है। इमेज, वीडियो, ये सब इम्बेड करने से आपकी साइट स्लो होती है, अगर ज़रूरत है तभी उसको इम्बेड करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। इतना चीज़ पॉइंट आप कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है, आप इतना एनालाइज करें अपनी वेबसाइट में, उसके बाद जितने भी ये सब एनालाइज करने के बाद आपको स्क्रैप्ड कंटेंट जो है उसको रिमूव करें। स्क्रैप्ड कंटेंट बेसिकली यही सारे पॉइंट्स को मिलाकर ही जो कंटेंट आप बनाते हैं वो स्क्रैप्ड कंटेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो ये इशू आपको नहीं आएगा, स्क्रैप्ड कंटेंट इशू जो है ये एडसेंस के अप्रूवल के दौरान आपको नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ें आपको फिक्स करनी है, ठीक है। इसको करने के बाद आप आसानी से गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, वैसे तो हो सकता है आपका ये इशू ना हो, कोई और इशू हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको आना है मेरे चैनल के, यहाँ पे मैंने देख सकते हैं एडसेंस के रिगार्डिंग 26 वीडियो बनाया है, जिसमें अलग अलग मैंने यहाँ पे इशू के बारे में यहाँ पे बता रखा है। मैक्सिमम इशू आपको मिल जाएंगे जो एडसेंस के रिगार्डिंग आती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, वैल्यूएबल इन्वेंट्री टेम्पलेटेड पेज इशू, ये एक इशू बताया मैंने। उसके बाद पॉलिसी वायलेशन के बारे में बताया, उसके बाद नीचे और आते हैं,
HTTP के साथ अगर आपकी साइट नहीं ओपन हो रही है तब भी आएगा ये इशू। वैल्यूएबल इन्वेंट्री नो कंटेंट, ये इशू भी आ सकता है आपको। तो इस तरह के इशू मैंने बहुत सारे बनाए हैं, आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। जाइए मेरे चैनल पे देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।